हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आप लोग के लिए मैं रेडमी का नोट 6 प्रो जो है कि आपको इसमें FRP और पैटर्न जो है कि अनलॉक करके दिखाऊंगा। काफ़ी इजीली से इसका फ़ोन को ऑफ को अनलॉक करके दिखाऊंगा किस तरह से इस फ़ोन को अनलॉक किया जाता है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और काफ़ी इजीली से आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इसे अनलॉक किया जाता है। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड देख सकते हैं फ़ोन का MIUI 11 है, तो यहाँ पर फ़ोन का काफ़ी प्रीमियम लुक है। तो यहाँ पे इस देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपना कंट्री सेलेक्ट किया, यहाँ पे रेंजिंग में यहाँ पे MIUI 11 है। तो आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड आपको ऐड करना है अपना। यहाँ पे अपने वाईफाई का पासवर्ड आप ऐड करके कनेक्ट करना है आपको अपने फ़ोन को। रेडमी नोट 6 प्रो है जो, तो यहाँ पे मेरा वाईफाई नोट 4 का कनेक्टेड हो चुका है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ से स्क्रिप्ट के ऑप्शन पर जाता हूँ। तो यहाँ पे चेकिंग इन्फो में आपका जो है कि गूगल अकाउंट मांगा जा रहा है। तो यदि आपको याद है अपना पुराना वाला तो आप उसी को ही डालना जो आपके फ़ोन में ऑलरेडी था। नया डालने से भी कुछ नहीं होने वाला। और ये आपको किस तरह से बाईपास करना तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टेप बाई स्टेप, यहाँ पर आपको एड नेटवर्क में आना है वाईफाई वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको टाइप करना है YouTube.com। तो यहाँ पर जैसे आपको YouTube.com टाइप करेंगे उसे आपको एक सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो है URL वाला लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने YouTube ओपन हो जाएगा। तो YouTube ओपन होने के बाद यहाँ पे इसके सेटिंग पे आ जाना है और प्राइवेसी पॉलिसी पे आपको आ जाना है और यहाँ पे क्रोम को आपको सेलेक्ट करना है। क्रोम को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन का बेटर क्वालिटी है, रेड कलर का है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। ये कस्टमर का ही है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे एपेक्स लॉन्चर। जैसे आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये वाले ऑप्शन पे आपको आना है एपेक्स लॉन्चर। तो आपके यहाँ से स्क्रॉल करना है और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर जैसे ही करेंगे तो आपका जो है डाउनलोड होने लगेगा। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, तो डाउनलोडिंग हो रहा है। तो यहाँ वेट करते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे आ चुका है डाउनलोड का ऑप्शन, कंटिन्यू और ओके कर देना है। तो यहाँ पे ओके मैं कर दिया, फिर इसके बाद थोड़ा सा और वेट करते हैं। अब यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है ऊपर में और यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आ जाना है। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है एपेक्स लॉन्चर। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, एपेक्स लॉन्चर को लोड होने दीजिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए अभी डाउनलोड कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा बाकी है। यहाँ 62% हो चुका है, देखिए डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको इसे इंस्टॉल करना है और देखिए इसका सेटिंग अननोन सोर्सेस को आपको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे आपका इंस्टॉलिंग हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो अलाउ कर देना है और इसके बाद आपका देखिए ओपन हो जाएगा। वो ओपन हो गया और देखिए अब आपको कुछ स्टेप फॉलो करना है और आपका अकाउंट रिमूव हो जाएगा, गूगल अकाउंट आपको। यहाँ पर देखिए MI अकाउंट भी रिमूव हो चुका है। तो इस मैटर से आप MI अकाउंट भी रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अबाउट में आ जाना है ऊपर वाले ऑप्शन पे, सेटिंग में अबाउट ऑप्शन में आने के बाद 5x जो है MIUI वर्जन पे क्लिक करना है। तो आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो डेवलपर ऑप्शन आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में ही मिल जाएगा आपको, सेटिंग वाले ऑप्शन में। तो आपको डेवलपर ऑप्शन में OEM का अनलॉक करके आपको फिर से अबाउट वाले ऑप्शन में आना है और अबाउट वाले ऑप्शन में आके बैकअप एंड रिस्टोर जो ऑप्शन दिख रहा है उसे आपको इरेज डाटा पे यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन में दिख जाएगा अबाउट में ही, ये आपको ऑल डाटा इरेज कर देना है। तो थोड़ा वेट करेंगे टाइमिंग का। तो यहाँ पे जैसे ही 0 होता है तो आप इसे ओके या नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करना है आपको यहाँ पे। तो नेक्स्ट करके ओके कर देंगे तो आपका फ़ोन का सारा डाटा और अकाउंट गूगल सारा रिमूव हो जाएगा। तो आपका MIUI भी अकाउंट रिमूव हो जाएगा इस बार। तो इस तरह से आप इस मेथड से अपना MIUI अकाउंट और गूगल अकाउंट दोनों रिमूव कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजिली से आप इसको प्रोसेस बाय प्रोसेस विदाउट PC के कर सकते हैं कहीं भी कभी भी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और देखिए फ़ोन का सारा डाटा इरेज हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, देखिए फ़ोन बूटिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना होता है।
तो अब फ़ोन बूट हो चुका है, MIUI 11 वर्जन पे आ चुका है। तो यहाँ पे कंप्लीट बूट हो चुका है। इस बार आपको कोई MI अकाउंट और कोई गूगल अकाउंट का यूज़ नहीं करना है। इस बार फ़ोन को पूरा न्यू सेटअप आपका कंप्लीट हो चुका है। सॉरी तो आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्किप करेंगे। यहाँ पे इस बार आप देख सकते हैं कि कोई अकाउंट यहाँ पे स्किप करेंगे तो नहीं आएगा। देखिए अब हाँ हो चुका है कंप्लीट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए आपका काम हो चुका है, तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को प्लीज़। और देखिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऐड करना कर सकते हैं, कोई था नहीं है। और देखिए यहाँ से आपको फिर से सेटअप पे क्लिक कर देना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका फ़ोन कंप्लीट प्रोसेस बाय प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हो चुका है न्यू से, और सेटअप भी कंप्लीट है। देखिए सारा फंक्शन आ चुका है। तो अब देख सकते हैं नोट 6 प्रो है, और आपको विदाउट PC के ही इसका सारा फंक्शन काम कर रहा है। फ़ोन को यदि आप सॉफ्टवेयर कराते हैं तो फ़ोन को लोकल दुकान पे जाएंगे तो फ़ोन को खोल खाल के ख़राब कर देंगे। तो आप इस मेथड्स के यूज़ करके अपने फ़ोन को घर बैठे कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।